छोटा बालक तोतली बोली में अपने माता पिता से प्रार्थना करते हैं, ठीक उसी प्रकार से देवी सीता जगत जननी माता गणेश से प्रार्थना कर रहे हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देवी स्थिता समस्त देवी देवताओं को मनाने लगी, हे भगवान मुझ पर कृपा करिए। भगवान श्री रामचंद्र धीरे धीरे धनुष के पास पहुंचे। भगवान श्री रामचंद्र ने अपनी आंखें उठाकर सीता जी के सामने देखा। सीता सच्चाई भी अत्यंत विचलित होकर धीरज को बैठी है। अब सीता को परेशान और नहीं करना चाहते भगवान, परंतु भगवान श्री रामचंद्र धनुष की प्रथम परिक्रमा, दूसरी परिक्रमा, तीसरी परिक्रमा कर लिए और जैसे एक गरुड़ आकाश से ही आकाश में खड़े खड़े पृथ्वी पर सर्प को देख लेता है, भगवान श्री रामचंद्र ने उसी प्रकार से खड़े खड़े उस धनुष को देखा और भगवान श्री रामचंद्र ने निर्णय ले लिया कि इस धनुष को तोड़ दूंगा। उस सभा में वातावरण शांत हो गया, लाखों लोगों की दृष्टि उस सभा के ऊपर। हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम। सबसे अधिक कष्ट सीता को, सबसे अधिक कष्ट और सबसे अधिक एक्साइटेड कौन? लक्ष्मण जी। दोनों पांव इस प्रकार से करके बैठ गए, ऐसे करके बैठे हुए। अब विश्वामित्र जी पूछते हैं कि लक्ष्मण धनुष उठा रहा है राम, तू इतना उतावला क्यों हो रहा है, तू इतना उतावला क्यों है? लक्ष्मण जी कहते हैं, महाराज आपको पता नहीं है ये धनुष बहुत कठोर है और हमारे प्रभु जब धनुष को उठाएंगे तो बहुत बड़ा कड़ाका होगा, बहुत बड़ा कड़ाका होगा महाराज, और ये ब्रह्मांड ये धरती डोलने लगेगी और महाराज यदि पृथ्वी अपने स्थान से हिल गई ना, छटक गई ना, तो देवी सीता पृथ्वी की पुत्री है महाराज, यदि विवाह के दिन सास को कुछ हो गया तो विवाह अधूरी रह जाएगी महाराज, इसीलिए महाराज मैं अपने पांव से इस पृथ्वी को दबा कर बैठा हूं कि छटक नहीं जाए। लक्ष्मण जी ने आदेश दे दिया, हे दिक्पालों अपने अपने पृथ्वी के छोरों को पकड़ के रखो, आज पृथ्वी अपने स्थान से हिल नहीं जाए। समस्त लोकपाल दिक्पाल कस करके छोर को पकड़ के रखे। हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, लक्ष्मण जी जोर से पृथ्वी को दबा करके बैठे, आदेश दिए दिक्पालो अपने अपने पृथ्वी के कॉर्नर को पकड़ के रखो, छोड़ना मत। भगवान श्री रामचंद्र की दृष्टि सीता के सामने, सीता बड़ी व्याकुल देख करके, अब भगवान ने सोचा कि अब सीता को और कष्ट नहीं देना चाहिए। उसी समय भगवान श्री रामचंद्र धनुष के पास गए, अपना वरद हस्त ऊपर उठाया, बाया हाथ आगे किया। रामायणकार कहते हैं जैसे भगवान श्री रामचंद्र ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया, वो धनुष एक छोर से अपने आप ही उठ गया, तुरंत सभा में परम प्रकाश छा गया, सभी की आंखें बंद हो गई। भगवान ने धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रकाश पुंज हुआ और धनुष के टुकड़े टुकड़े हो गए, कमासा न जाओ। और उस कड़ाके की आवाज से ये पृथ्वी कांपने लगी। रामायणकार ने ऐलान किया, अतेचन राम मद धरि तोरा, भरे भुवन गुनि जोर कठोरा। भगवान श्री रामचंद्र ने अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम से उस धनुष को तोड़ दिया। उस भयंकर टूटने की आवाज से सूर्य पश्चिम में जा रहा था, पूरब की ओर चला गया। नदियों ने अपनी दिशा बदल दी, धरती डोलने लगी, दिग्पाल चक्कर काटने लगे, कच्छप सब तिलमिला उठे,
समुद्र का पानी आकाश को छूने लगा, पर्वतों के शिखर टूटने लगे, कंदराओं में पर्वतर उछलने लगे, विंध्याचल और हिमाचल में तपस्या कर रहे महात्माओं का ध्यान भंग हो गया। देवताओं ने कानों पर हाथ रख लिया, अप्सराओं के नृत्य बंद हो गए। भयंकर शिव धनुष टूटते ही अभिमानी राजाओं का अहंकार टूटा, सीता जी का वियोग टूटा, जनक जी की और सुनैना जी की शंका टूटी, नगरवासियों की चिंता टूटी और मंदोदरी की चूड़ी टूटी। सीता ने भगवान के गले में बहुत सुंदर वरमाला डाला और देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की और सब लोग सीता रामचंद्र की जय जयकार करने लगे। बोली भगवान सिया रामचंद्र की जय। सीताराम तुम्हारी जय जय हो, सीताराम